नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। और अभी मैं राजभवन के समीप मौजूद हूँ और जहाँ पर आज झारखंड सरकारी विद्यालय छात्र संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन देने का मुद्दा काफी बड़ा है कि ये जो पीछे बच्चे खड़े हैं, इन्हें बेसिक्स नहीं आता है, अल्फाबेट्स ए बी सी डी क्या होता है ये इन्हें नहीं आता है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, 1-2 क्या होता है, ए बी सी डी क्या होता है इन्हें नहीं आता है। इन्हें डायरेक्टली ऐसे ऐसे बुक्स दे दिए जाते हैं जिसमें पोयम और कविता और स्टोरीज वगैरह लिखी हुई है। अगर एक बच्चे को बेसिक्स नहीं आएगा तो वो ए बी सी डी नहीं आएगा तो वो ये पोयम को कैसे पढ़ पाएगा। वही अभी हम इस बच्चे से बात करते हैं कि आपको ये बुक दे दिया गया, आपको ए बी सी डी नहीं आता है। ए बी सी आता है हम लोगों को, और जो बुक दिया गया है उसके हिसाब से, जैसे अगर ये बुक जो है अगर इसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ाया जाना तो हम लोग अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं। स्टोरी इसमें सीधा क्या दे दिया गया है कि इसमें जो दे दिया गया है सीधा स्टोरी और पोएम दे दिया गया, जिसके कारण छात्र छात्राएं जो है अंग्रेजी भाषा को नहीं सीख पाते हैं। अब इससे क्या कोई भी लड़का इसे कोई सीख पाएगा? जो अल्फ़ाबेट नहीं जानता है वो लड़का इसको कैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके वजह से वैसा बुक क्लास 2 का मैम, क्लास 2 का बच्चों को अगर ऐसा हार्ड स्टोरी और पोएम वाला बुक दिया जाएगा तो वो थोड़ी ना बोल पाएगा ना सीख पाएगा। आप कौन सी क्लास में हैं? हम 10th क्लास में। आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है? नो मैम, कहे कि बस स्टोरी और पोएम याद रहने का चीज़ तो है नहीं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग जानते, अगर बेसिक पढ़े रहते हैं तो हम लोग इसको पढ़ के उसको बच्चों को समझा सकते थे, आपको भी बता सकते थे, लेकिन वो बेसिक तो पढ़े नहीं हम लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या आता है इसमें से, ये जो पढ़ा है ये बुक? पढ़ा इसमें बस वही स्टोरी और पोएम से तो इंग्लिश हम जाने तो है नहीं, बस बेसिक हम लोग का मांग है, बस बेसिक वही निकाल दिया जाए सरकार से, वही निवेदन है। अगर आपको बेसिक मिल जाएगा तो उसके बाद आप पढ़ाई कर लेंगे। आप जानते हैं कि आपको इसमें से क्या आता है? बस वही हम लोग जो निकाले हुए हैं उसी में। आपको क्या आता है यहाँ पे जो बुक पढ़ा है इसमें से? कुछ भी पढ़ना आता है? कुछ नहीं पढ़ना आता है? कुछ बोलना आता है इंग्लिश में? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग का तो फ्यूचर खराब हो ही चुका है, तो आप लोग आने वाले जो है फ्यूचर के स्टूडेंट्स जो उनका कैरियर आप लोग बनाना चाहते हैं? यस मैम, क्योंकि हम लोग 10 साल सरकारी स्कूल में बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ स्टोरी और पोएम पढ़ाया जाता है, वहाँ इंग्लिश का बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस 10 साल में उस स्कूल में किए? बस मैम स्टोरी और पोएम रट्टा किए हैं उसमें बैठ के, और अभी भी मैट्रिक लिखे है ना, तो बस स्टोरी पोएम रट्टा करके मैट्रिक लिखे हैं। मैट्रिक में भी आप लोग को स्टोरी और पोएम लिखाया जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता है? नहीं मैम, कविता बताया जाता है बस। बस और उसी को हम लोग रट के ही परीक्षा पास होते हैं, ना कि अंग्रेजी भाषा। हम लोग चाहते हैं जो जो स्टोरी पोएम का बुक है उसको हटा के और जो बेसिक है अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए वो दिया जाए आगे की पीढ़ी को, आगे की लोगों का कैरियर सेट करना चाहते हैं। यस, हम लोग वही चाहते हैं। पेशन के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उन लोग के लिए बेसिक निकालना चाहते हैं, ये स्टोरी और कॉयम से हम लोग हटा देना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि आने वाला पीढ़ी के साथ वैसा भी था। झारखंड सरकार मैम 10 साल वक्त होता है, अगर 10 साल अगर हम लोग ये सिलेबस के हिसाब जो अभी बनाए वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो अभी इंग्लिश बोलना क्या, इंग्लिश समझाना सब चीज़ जानते हैं हम लोग। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर धरना पे क्यों बैठे हैं इन बच्चों के साथ। देखिए मैम, हम लोग यहाँ जो स्टोरी और पोएम का जो बुक है ना उसके और बेसिक का लड़ाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो बुक है ओन क्लास का बच्चा का, और उस समय बच्चा का उम्र 5 साल होती है। क्या 5 साल का बच्चा को अगर ये अगर दे दिया जाए क्या वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? पढ़ना दूर की बात है, उसको सबसे पहले ज़रूरी होता समझना। जब अगर बच्चा समझ ले तभी वो अगला को समझा सकता है या लिख सकता है या बोल सकता है। तो हम लोग को तो ये नहीं लगता है कि, या फिर आप भी देख सकते हैं क्या इससे बच्चा समझ सकता है या बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर है सिर्फ इन लोगों की बात है, जहाँ तक है कि ये पूरे झारखंड की स्टूडेंट की बात है। एक गरीब मज़दूर, एक किसान और जो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उन लोगों की, बच्चों की भविष्य की बात है। और हम लोग ये नहीं चाहते कि उन बच्चों का भविष्य ख़राब हो, क्योंकि हम लोग के साथ जो हो चुका है वो तो खैर ठीक है, अब हम लोग का तो वापस हो नहीं पाएगा, लेकिन जो आने वाला जो जनरेशन है उस बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो,
तो जो सरकारी स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी तो ये नॉलेज होता है ना कि जो वन क्लास के बच्चे और टेंथ क्लास के बच्चे वो क्या कर रहे हैं। मैम ऐसा है अगर झारखंड सरकार अगर वो उन लोगों को ये बुक पढ़ाने के लिए देता है ठीक है स्कूल में, अगर ये ख़त्म नहीं करते हैं ना और बच्चा का एग्ज़ाम रहता है और बच्चा का एग्ज़ाम अच्छा से ये बुक्स के मुताबिक पास नहीं कर पाता है तो टीचर की गलती होती है। इसलिए टीचर भी जो सरकार देते हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं। मैडम हम लोग चाहते हैं, मांग हम लोग झारखंड सरकार से ये है जो इस टाइप में पैटर्न के हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो आराम से बच्चा बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने में भी उसको आसानी होगा कि स्टोरी फिल्म से जो रट्टा करते हैं वो रट्टा ना करवा के अगर झारखंड सरकार का ये जो हम लोग पैटर्न के हिसाब से दे रहे अगर इससे अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, खेलने में और हर चीज़ का सुविधा में, पढ़ने लिखने तक में हर चीज़ का सुविधा में आसानी हो सकता है। और हम लोग का ये मांग है जो झारखंड के सरकारी विद्यालय में जो बुक दिया जाता है डायरेक्ट स्टोरी पोएम से भरा रहता है, ये हम सर जो मेरे साथ बीता, हम भी झारखंड से सरकारी विद्यालय 10 साल पढ़े, जो मेरे साथ बीता हम नहीं चाहते हैं झारखंड में 42,000 स्कूल में जो मेरा सरकारी स्कूल में भाई बहन लोग पढ़ रहे हैं, हमने जो मेरे साथ 10 साल बीता हम नहीं चाहते उन लोगों के साथ ये बीते, ये आवाज़ इसलिए हम उठाए हैं। और हम चाहते हैं झारखंड सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग ये आज से नहीं, हमको लगता है कि शिक्षा विभाग को भी अवगत करा चुके हैं और लेटर के माध्यम से हर जगह हम लोग दे चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू समय से हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग को अभी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे और नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं और नहीं होगा तो हम लोग रोड में भी उतरने के लिए तैयार हैं। झारखंड सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग। तो आपने अभी जिन लोगों की बातें सुनी ये तो वही लोग हैं जो एक बार धरना स्थल पे घूमने आए थे और देखने आए थे कि यहाँ पर बैठने की जगह है, धरना देने की जगह है या नहीं है। हमने उस टाइम भी आपको इनसे बात कराया था और आज जो इनकी मांग है ये मांग जायज है, ये मांग गलत नहीं है। ये जिस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं ये एक बच्चे की कैरियर, एक फ्यूचर को सेट करने के लिए मांग पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठ गए हैं। और ये जो देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं वहाँ पर छोटे से बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, पहले बेसिक सिखाया जाता है, तो वही ये सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा गलत क्यों, ऐसी गलती क्यों, इन्हें भी सिखाया जाए, इन्हें भी उसी तरह से पढ़ाया जाए। अगर सरकार बच्चे को पढ़ाने का खर्च उठा सकती है, बच्चे को सरकारी स्कूल में बैठने का खर्चा उठा सकती है जब बैठाती है, जब पढ़ाती है, तो उन्हें बेसिक्स क्यों नहीं सिखाती है। वहीं आपने इनकी सारी बातें सुनी, इनकी मांग सुनी, अब सरकार क्या करती है ये तो देखने वाली बात है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।